हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अमीषा केसरी। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6, दैट इज मैप्स। फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मैप्स एंड 3 ऑफ दीज आर फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं फिजिकल मैप्स किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस भी मैप पे आपने प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर, ओशियंस, इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, अर्थ के नेचुरल फीचर्स का जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वही होता है फिजिकल मैप। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स। सो फ्रेंड्स, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो ऐसे मैप्स जो किसी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी टाउन, किसी विलेज या फिर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्रीज को, पूरे वर्ल्ड के स्टेट और कंट्रीज को जो रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं हम पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। मैप्स बेस्ड ऑन ए थीम और टॉपिक शोइंग टाइप्स ऑफ सोइल्स, फॉरेस्ट एरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज इन एन एरिया आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। वैसे मैप्स जो किसी थीम या टॉपिक पे बेस्ड ऑन हो, जो टाइप ऑफ सोइल को बता रहा हो, वहाँ पे कितने फॉरेस्ट एरियाज है ये बता रहा हो, एक टाइप का मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वहाँ पे कैसी इंडस्ट्रीज है, कौन से एरिया में कौन सी इंडस्ट्री है, ये सब बता रहा हो, तो उसे कहते हैं थीमेटिक मैप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टोग्राफी। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी एंड पटॉलमी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कार्टोग्राफी। फ्रेंड्स, क्या है ना, मैप मेकिंग के पीछे जो साइंस है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी, और पटॉलमी को फादर ऑफ कार्टोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि स्फेयर पे अर्थ को एक स्फेरिकल सरफेस पे सबसे पहले पटॉलमी ने ही रिप्रेजेंट किया था, और ये नॉर्थ लाइन जो अर्थ पे ड्रॉ है उसे भी पटॉलमी ने ही ड्रॉ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।